हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं एमएस राजा चैनल। तो फ्रेंड्स, एमएस राजा ट्रिक्स में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे फ्रैक्शन वाले किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर एडिशन हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है, ये आसानी से आप गुना करने का जो ट्रिक है या ऐड करने का जो ट्रिक है, सब्ट्रैक्ट करने का जो ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन लेता हूँ मैं 5/16 और प्लस अगर मैं करता हूँ 6/9, तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सिंपली करना क्या है, इस तरह से क्रॉस वाले को मल्टीप्लाई करना है और लिखना है ऊपर इसके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर लिखना है और बीच में प्लस है तो प्लस, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144, और इसको जब प्लस करेंगे आप तो आएगा 141। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इजीली आप ऐड कर सकते हैं। अगर सब्सट्रैक्ट वाला हो तो कैसे करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट दिया हो तो मैं इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर 5/16 है, इसमें अगर सब्ट्रैक्ट है 6/9, देन इसको कैसे करेंगे, तो उसी तरह से आपको इसको क्रॉस करना है। तो क्रॉस करेंगे 96, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से 144, और इसमें माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा -51, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन को इजीली सोल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।